27 तारीख बरोज जुमा आज रात कराची के एंड स्टेशन से ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है मरगला के लिए। जी सैमुअल मसीह मेरा नाम है जी। एसी टनलो ट्रेन के साथ और पिंडी से कराची और कराची से वापस पिंडी जाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक का जितना भी ऑल्ड है वो हमारे जुम्मे है। न्यू कोची से इसके लोटो का ख्याल रखना है, बेशक लोटे घर लेके नहीं जाने, घर नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि नल निकाल लिया और जेब में रखा और चले गए। परसेंट किराए के अंदर आपको तकिया भी फराहम किया जा रहा है, आपको चादर भी फराहम की जा रही है, आपको खाना भी फराहम किया जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तान रेलवे अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं कराची के एंड स्टेशन पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन आपको वाजी नज़र आ रही होगी। पिछले कुछ दिनों से हम आप तमाम दोस्तों के साथ ग्रीन लाइन ट्रेन की जो अपडेट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन आज 27 तारीख बरोज जुमा आज रात कराची के एंड स्टेशन से ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है मरगला के लिए। और आज सुबह के टाइम पर मरगला स्टेशन से कराची कैंट के लिए रवाना हुई थी। सुबह के टाइम पर इसका हकमी इफ्तिताह हो गया था, लेकिन आज यहाँ पर यानी कि रात के वक़्त में भी यहाँ पर ग्रीन लाइन ट्रेन के लिए एक बड़ा सरमनी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। और आज से इसका हकमी इफ्तिताह कराची कैंट स्टेशन से किया जा रहा है। कराची कैंट स्टेशन से इसका मरगला तक का सफ़र होगा। 9 स्टेशन इसके देखे जाएंगे। ट्रेन पर न्यू कोचेस को ऐड किया गया है। न्यू कोचेस जो चाइना से मंगवाई गई थी, अब वो चाइना के बजाय अब ग्रीन लाइन ट्रेन के अंदर वो ऐड हो गई। अब हम ग्रीन लाइन ट्रेन की कोचेस इसको कहेंगे, जिसमें 4 कैटेगरी मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और एसी पॉलर कार। एसी पॉलर कार का मुकम्मल रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन साथ में आपको इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ और एसी स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ब्रांड न्यू यहाँ पर तमाम कोचेस है। इसके अलावा एसी बिज़नेस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो एसी बिज़नेस क्लास पाकिस्तान रेलवेज़ की अपनी कोचेस हैं, जिसको चाइना की तर्स में मुकम्मल तैयार किया गया है। मुकम्मल हम लोगों से बात भी करेंगे, साथ में इसका बिज़नेस क्लास किस तरीके से दिखता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर प्रोवाइड की गई है वो भी हम दिखाएंगे आपको। उसके साथ ये भी बताऊँ मैं आप लोगों को कि इस किराए के अंदर अगर एसी स्टैंडर्ड का 9000 का किराया है तो उसके अंदर खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ स्टेशन टू स्टेशन आप इसका टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं। कि बाद वक़्त बहुत सारे लोगों की ये परेशानी थी कि उनका पूरा मुकम्मल टिकट लेना पड़ता था कराची कैंट स्टेशन से मरगला तक और मरगला से लेके कराची कैंट स्टेशन तक। तो स्टेशन वाइज पाकिस्तान रेलवेज़ ने टिकट प्रोवाइड करने का फैसला कर लिया है। बुकिंग जारी है। अभी 2 से 3 रोज़ तक के आपको बुकिंग में थोड़ा बहुत परेशानी देखा जाएगा, लेकिन 3 से 4 रोज़ के बाद ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर नॉर्मल हो जाएगी। तो इस पर आप भी सफ़र कर पाएंगे। मज़ीद हमारे साथ रहिए, हम चलते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है बिज़नेस क्लास के अंदर, और उसके साथ कुछ लोगों से भी बात करते हैं। तो चलिए जी। सैमुअल मसीह मेरा नाम है जी। एसी टनलो ट्रेन के साथ और पिंडी से कराची और कराची से वापस पिंडी जाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक का जितना भी ओल्ड है वो हमारे जुम्मे है। सर माशाल्लाह ट्रेन ग्रीन लाइन ट्रेन तो ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत माशाल्लाह नज़र ना लगे। इसके अलावा तो सही बताइएगा कि इस वक्त क्या क्या फैसिलिटीज़ किराए के अंदर प्रोवाइड की जा रही है पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से। फिलहाल तो खाना भी दे रहे हैं, तकिया चादर भी दे रहे हैं, कंबल वगैरह भी दे रहे हैं। आपको किसी चीज़ की लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे भी नई कोचे हैं, इनके अंदर हीटिंग की सहूलत है, एसी की सहूलत है। मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तकिया कंबल की। लेकिन फिर भी जो हमारा सिस्टम है, ठेकेदारी निज़ाम है, उसमें जनाब अली वो खाना भी दे रहे हैं, बीच में ही चाय भी है, नाश्ता भी है और विद तकिया चादर है। सर ये सहूलत दे रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बता दिएगा कि स्टेशन टू स्टेशन क्या किराया ले सकते हैं, टिकट स्टेशन टू स्टेशन बुक करवा सकते हैं जो पाकिस्तान रेलवेज़ जो अभी बीच में अपने वेबसाइट पर भी उन्होंने बताया था कि आवाम को फैसिलिटीज़ फराहम करने के लिए स्टेशन टू स्टेशन भी टिकट ले सकते हैं। स्टेशन टू स्टेशन बिल्कुल जो है, जैसे यहाँ से चलेगी हैदराबाद स्टॉपेज टिकट मिलेगा आपको, इसी तरह हैदराबाद से चलते हैं रोड़ी का स्टॉपेज है इसका,
रोड़ी का आपको टिकट मिलेगा हैदराबाद से रोड़ी के लिए। इसी तरह रोड़ी से खानेवाल बाहुलपुर स्टॉपेज है, बाहुलपुर तक आपको टिकट मिलेगा। बाहुलपुर से आप खानेवाल स्टॉपेज है, खानेवाल का टिकट मिलेगा। खानेवाल से लाहौर का आप सफ़र करेंगे, लाहौर का टिकट मिलेगा। लाहौर से पिंडी के लिए स्टॉपेज है और लाहौर से पिंडी के लिए आपको टिकट मिलेगा। सर ये बताएगा कि ग्रीन लाइन ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से जब रवाना होगी तो मरगला स्टेशन तक कितने टाइम पर ये पहुंच जाएगी? ये तकरीबन 21 घंटे का सफ़र है, लेकिन थोड़ा बहुत देर सवेर करके 24 घंटे में पहुँच जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मैनेजमेंट मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे थे, मज़ीद हमारे साथ रहिएगा। बिजनेस क्लास कोच के अंदर मौजूद है और ये बिज़नेस क्लास है, और इस कोच की अगर मैं बात करूँ तो ये कोच चाइनीज़ कोचेस के साथ ये नहीं आई थी, ये बिज़नेस क्लास है, ये पाकिस्तान रेलवेज़ की अपनी ग्रीन लाइन बिज़नेस क्लास है, इसको चाइनीज़ के तर्स में बिल्कुल तैयार किया गया है। तो मैं इसका रिव्यू कराता हूँ आपको, ये किस तरीके से, किस तरीके से नहीं। इस वक्त यहाँ बड़ी स्पेस है चलने के लिए, बैठने की जगह, इसकी मैं पहले भी रिव्यू अलग तरीके से शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर 9 केबिन है, जिसके अंदर मैं केबिन के अंदर जाता हूँ, दाखिल होता हूँ, तो ये देखें ये रूम है, बाकायदा एक केबिन नुमा बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही हम इंटर होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें बेंच है, इसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लंबी सीट है, इस पर आप बैठ भी सकते हैं। टोटल ओवरऑल 6 लोगों की जगह होती है ये, लेकिन इस पर आप पूरी मुकम्मल फैमिली के लिए भी इसको बुक कर सकते हैं। इसके साथ ऊपर भी बैठने की जगह है, फ़ैन इसके अंदर मौजूद है, इसके साथ LED यहाँ पर लगी हुई है। ये बिज़नेस क्लास है, अब मैं इसके अंदर आपको बाकायदा बैठ के दिखाता हूँ, लेट के दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। तो ये देखें बिज़नेस क्लास में कम्फर्ट सीटें, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ही देखें आराम से बंदा जो है, ये देखें आराम से बंदा यहाँ पर लेट सकता है। बाकायदा पूरी लेटने के बाद भी स्पेस जो है वो काफ़ी बाकी है, यहाँ पर बंदा आराम से लेट सकता है। जी तो व्यूवर्स, ये है न्यू कोचिस जो चाइना से मंगवाई गई थी, और ये चाइनीज़ कोचिस की पॉलर कार है, जिसके अंदर इसका रिव्यू मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके अंदर ओवरऑल LEDs लगी हुई हैं इसकी पूरी सीटों पर, बल्कि जबकि सीट इसकी रोटेटेड सीट है, आप इसको कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको आमने सामने सीट को करके भी आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ भी जो किराए के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जैसे खाना हो गया, आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके दौरान खाना भी आपको उसी किराए के अंदर ही एडजस्ट करके दिया जाएगा। तो मज़ीद मैं आगे जो और क्लासेस हैं उसका भी रिव्यू करता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। व्यूअर्स ये है पॉलर कार, पॉलर कार के अंदर सबसे ख़ास मेन चीज़ जो है ये LED है, और यहाँ पर LED के अलावा सीटें रोटेट है, और इसका किराया जो है कि किराया 8,500 रुपये रखा गया है। और यहाँ से सीधा मैं इसके आगे वाले क्लास के अंदर चलूँ तो ये देखें,